नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशि फल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 मार्च 2022 के आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन सोमवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन स्वाति नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन व्याघात नाम का शुभ योग शाम के 3:54 रहेगा, उसके उपरांत ही हर्षण नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 8:04 से लेकर सुबह के 9:34 तक और दोस्तों चंद्रमा इस दिन तुला राशि पर संचार करेंगे। जब आदमी जिद करता है तब क्रोध जम लेता है, क्रोध से अहंकार पैदा होता है, अहंकार से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या हिंसा को बढ़ावा देती है, इसलिए न जिद करें न क्रोध पैदा करें। दोस्तों, न तेरी शान कम होती न तेरा रुतबा घट जाता, जो गुस्से में कहा वही हंस कर कहा होता। यह सही है कि इंसान को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पर जो इंसान अधिक गुस्सा करते हैं प्यार भी उतना ही अधिक करते हैं, क्योंकि लाल रंग खतरे का निशान है और प्यार की ये निशानी भी। जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। जल्दी गुस्सा करना जल्दी ही आपको मूर्ख साबित कर देगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में अधिकतर समय व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में व्यतीत होगा, साथ ही दोस्तों सफलता मिलने से मानसिक शांति भी रहेगी। यश में जो समय होगा आपके लिए पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ और फलदायक साबित होंगे। दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी यश में रहेगा, जो कि आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। वहीं दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास रखना आवश्यक होगा, दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान आप कर सकते हैं। यश में आपको बता दें कि अपने नजदीकी मित्रों व फिर संपर्क सूत्रों के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके बाद दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, हर किसी बात के बारे में बेवजह चिंता करने की वजह से हर बात में आपको यश में नकारात्मकता ही नजर आ रही है। यदि आप परिस्थिति में बदलाव लाना चाहते हैं तो दोस्तों खुद के अंदर बदलाव लाना जरूरी होगा। एक जैसी जीवन शैली रखने की वजह से आपके अंदर उदासीनता पैदा हो रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए आप अपना आत्म अवलोकन अवश्य करें, इससे दोस्तों आपके अंदर मानसिक शांति व फिर ऊर्जा का संचार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, दृढ़ निश्चय होकर काम करने से आपकी योजनाएं अवश्य सफल होंगी। साथ ही दोस्तों, यश में दूसरों की बातों में ध्यान देने की अपेक्षा अपनी कार्यक्षमता पर आत्मबल पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, किसी भी प्रकार की यात्रा करने के लिए यह जो समय है आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। दोस्तों, यश में नेगेटिव व्यक्ति से समस्या हो सकती है, साथ ही दोस्तों इनसे बचने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों, यश में परिवार के किसी युवा व्यक्ति की खास प्रगति होगी, जिनकी वजह से पूरे परिवार में समाधान प्राप्त होगा। यश में आपके खर्चे हो सकते हैं, लेकिन यह खर्च आपके मौज मस्ती पर होगा, इसलिए दोस्तों यश में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में प्रॉपर्टी के लेन देन संबंधी कुछ कार्य संपन्न हो सकते हैं, घर के बदलाव संबंधी विषयों पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोस्तों, दिन की कुछ समय परिवारों के साथ मनोरंजन व फिर स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में व्यतीत होगा।
इसके बाद ही दोस्तों यश में किसी मुद्दे पर भाइयों के साथ वाद विवाद होने की आशंका लग रही है। दोस्तों यश में सावधानी और समझदारी से आपको काम लेना चाहिए, इससे आप परिस्थितियों को आसानी से संभाल भी पाएंगे। दोस्तों बेहतर होगा कि दूसरों के झमेलों में अपना हस्तक्षेप ना करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने की वजह से काम में भी आपको यशमय प्रगति और गति दोनों नजर आने वाली है। दोस्तों आप अकेले ही काफी बातों का सामना यशमय कर पाएंगे, जिनकी वजह से आपको मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है, लेकिन उन्हीं बातों को प्रगति की ओर बढ़ते हुए देखकर आपको समाधान भी प्राप्त होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों यश में निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम समय होगा। घर के बुजुर्गों का भी स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। बच्चों को भी आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी समय आप आलस की वजह से कुछ काम नजरअंदाज ना करें। दोस्तों यश में इनकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। और दोस्तों यश में अपना आत्मविश्वास और फिर कार्य क्षमता को मजबूत बनाकर रखना आपके लिए अत्यावश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों परिस्थिति में बार बार बदलाव आने की वजह से निर्णय ले पाना या फिर किसी एक ही निर्णय पर टिके पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। दोस्तों व्यक्तिगत जीवन में आपको समाधान प्राप्त हो सकता है, लेकिन दोस्तों काम से जुड़ी परेशानियां भी यश में रहेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय काम से संबंधित जिम्मेदारी को किसी के साथ बांटना यश में मुश्किल हो सकता है। दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट पर काम करना आपको पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों इसके उचित परिणाम भी आपको हासिल होंगे। हालांकि दोस्तों कुछ व्यापारी लोग अपने निजी कार्यों की वजह से कार्य क्षेत्र पर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में भी रुके हुए काम में गति आएगी। दोस्तों व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों यह संबंध आपके भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यह समय व्यावसायिक स्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। कर्मचारियों के साथ आपका उचित तालमेल रहने से कार्य भी सुचारू रूप से होते जाएंगे। दोस्तों इसमें मार्केटिंग संबंधी कार्य भी इन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दोस्तों यश में रुका हुआ पेशा भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे। दोस्तों यश में व्यवसाय की दृष्टि से समय बहुत ही उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ेंगी। कुछ नए अनुबंध भी यश में प्राप्त होंगे और दोस्तों आर्थिक स्थिति में यश में सुधार होगा। यश में साझेदारी संबंधी कार्यों में धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों घर के सभी सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से खुशनुमा वातावरण रहेगा। प्रेम संबंधों में भी यश में नजदीकियाँ आएंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगी। दोस्तों पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजे होंगी। घर के सदस्यों में भी आपसी तालमेल बना रहेगा, जिनसे दोस्तों यश में आपसी संबंध भी मधुर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। घर में अधिक हस्तक्षेप तथा रोक टोक करना पारिवारिक सदस्यों को नाराज कर सकता है। दोस्तों सबको अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे। दोस्तों यश समय वातावरण सुखद रहेगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों से मेल मुलाकात करते समय मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों जोड़ों या फिर मांसपेशियों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों व्यायाम या फिर योगा के लिए समय आप यह समय जरूर निकालें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में फालतू जो है जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उनके द्वारा आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी यश में हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। गैस व फिर कब्ज की शिकायत रह सकती है। अपना खान पान व फिर दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे। दोस्तों यश में वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। साथ ही दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा सफेद और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।